14 में ऐसा मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए जिसमें 17 आए, तो 5 से. फॉर एन एग्जाम्पल आपको अगर इसको ईजी वे लेना है सो वी कैन डिवाइडेड. ओके 14 डिवाइडेड बाय 17. ओके सो 14 का टेबल करिए तो 14 5 जो 17. ओके तो 5 जो तो 5. सेम आंसर टू यू कैन सी द डी सेक्शन. ओके सो ऐसा डिजिट से मल्टीप्लाई होना है जिसमें 117 है, उसको कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लीकेशन में जब हमारे इधर भी हुए डिजिट्स होते हैं तो डेफिनेटली वी यूज डिवीजन पूर डिवीजन. ओके 9 डिवाइड बाय डिवीजन बाय 117 मतलब 117. सो 9 वन जा 9 बिकॉज इन द साइड 11, सो 9 वन जा 9. सो हाउ मे डिजिट्स आर लेफ्ट माइनस इट, 11 माइनस 9 2. ओके आफ्टर दैट 7 राइट डाउन इन दिस साइड. ओके नाउ 9 की ऐसा टेबल करिए जिससे हमारा 27 आए. सो 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 9 थ्री जा 27. सो 9 थ्री जा 27. सो टोटल रिजल्ट इज 13. सो 13. ओके नाउ 22 डिवाइड एंड फाइंड द क्वेटेंट एंड रिमाइंडर या रिमाइंडर. ठीक है 3 से आपको क्या करना है इसको कोई बताएगा? 3 से 27 को क्या करना है? डिवाइड करना है. ओके ओके तो 3 का टेबल ऐसा से करना है कि 27 आए. अब वो आपको खुद निकालना है तो बताइए हमको क्या आएगा. 3 डिवाइडेड बाय 27. सो 3 विच डिजिट, कौन सी डिजिट आएगी जहाँ पर 27 से क्रॉस होगा, हमको कोई बताएगा? ध्यान से देखिए तो 3 9 जा 3 का टेबल रीड करिए और 27 पे स्टॉप करिए. करेक्ट 3 9 जा 27. सो इन द साइड 9 और इन द साइड 27. ओके तो 0 एंड 0 ये आपका सॉल्व हुआ. ठीक है फर्स्ट आपका सॉल्व हो गया. एज इट इज इसको इसी तरह से आपको कॉपी में करना है. देखिए जैसे हमने कॉपी में मेंशन किया है ना, आप पूरे ऐसे जैसे हेडिंग मेंशन करेंगे एंड आफ्टर दैट जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको डिवाइड करेंगे. चलिए अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं जो आपको पता होनी चाहिए. आपके यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हैं वो है क्वेटेंट एंड रिमाइंडर. जो हमारे नीचे जितनी भी लेफ्ट हो डिजिट कोई बचती है मतलब लेफ्ट रह जाती है वो हमारी क्या कहलाती है? रिमाइंडर कहलाती है या रिमाइंडर कहलाती है. इसकी स्पेलिंग होती है आर ई एम ए आई एन डी ई आर. और जो ये डिजिट जो होती है इसको क्या कहते हैं बताइए? क्यूटेंट कहते हैं. तो इसको बोलते हैं क्यू यू ओ टी आई ई टी. ठीक है क्यू यू ए टी ई टी आई ई एन टी क्वेटेंट, क्वेटेंट बोलते हैं. ठीक है अब इस चीज़ को याद रखिएगा हमेशा. आपके 22 जो डिजिट नंबर था उसमें दे रखा था ना क्वेटेंट एंड रिमाइंडर. ठीक है ऐसे ही आपको ये सॉल्व करने हैं. बाकी जितने भी डिजिट्स हैं इट्स टू ईजी और आपको ऑलरेडी मैम ने 15 तक आपको टेबल लर्न कराई है क्लास सेकेंड में. सो आपको अपने आप करनी है. नाउ नेक्स्ट नंबर 23 राइट द क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग. ठीक है इट मीन्स अब आपको इसको डिवाइड करना है और जो भी क्वेश्चन मतलब जो आपका क्वेश्चन कहाँ पर आता है जो हमारा यहाँ पे नंबर बचता है वो आपको कहाँ पे इस डिजिट में लिखना है. अब 9 का टेबल करिए इस तरह से कि 36 पे स्टॉप हो जाए. तो 9 फोर जा 36 होता है. नाउ यू कैन सी दैट डिजिट्स नंबरिंग मिस्टेक्स है. जस्ट वेट 23. ओके कौन सा नंबर है? 23. ओके तो फर्स्ट डिजिट इज अ 39 डिवाइडेड 9. ठीक है सो 9 इन दिस साइड जो भी हमारा लेटर में यहाँ पर जो डिजिट्स होती है इन दिस साइड. ओके सो फर्स्ट वी यूज दिस डिजिट. ओके 9 आफ्टर दैट जो मिड सेक्शन में है वो हमारी जो सेकेंड फर्स्ट डिजिट होती है क्योंकि बिकॉज यू नो दैट द मैथ्स का जो एक फॉर्मूला होता है वो बैक चलता है. हम जब इंग्लिश लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हिंदी लिखते हैं
यो वे चलता है ना, बट मैथ्स का में जो भी हमारा वे चलता है वो ऑपोजिट चलता है। तो 9 हमारा फर्स्ट आ गया, एंड जो फर्स्ट लेटर जिसको हम अगर मैथ्स की इक्वेशन मिले तो सेकेंड कहा जाएगा, उसको हम यहाँ मिड में लिखेंगे। एंड 9 4 36, सो इसको जब आप बुक कॉपी में इसको करेंगे तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एरो बनाएंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे रिमाइंडर, एरो बनाएंगे और क्विटिंग, फिर उसके बाद यहाँ पर उसका आंसर सॉल्व करेंगे। सेम एज इट इज़ आपको 22 में भी करना, जैसे हमने आपको बैक में बताया था, इस तरह से इसको सॉल्व किया, उसके बाद एरो बनाएंगे और यहाँ पर भी इसका एरो बनाएंगे, ठीक है। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू राइट इट वेरी केयरफुली, ओके। सेम डिजिट्स, अब नाउ सेक्शन बी। सेक्शन बी 8 से आपको करना है, नाउ 5 एंड नाउ 9, ओके। सो दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट हम ये डिजिट्स अपनी क्लियर करेंगे, ओके। सो जस्ट बी सेफ एंड बी हेल्दी। बाय बाय।